इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बल्ला पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे के 28वें दिन भी लंगर जारी रहा। इसके बाद यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस दौरान लंगर के आयोजकों राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह, दोपहर और रात्रि को अनेक प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, अशोक शर्मा, विजय महाजन, रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सोमवार का सावन का पहला जेठा एतवार अज बड़िया रौनक लगिया ने। साडा 13वां वार्षिक भंडारा जेड़ा बाबा इच्छाधारी के स्थान पर लगता है अड्डा रायपुर रसूलपुर अज 29वें दिन च प्रवेश कर गया। अगे भोले की इच्छा है घट तो घट 45 दिन लगाई जाया, कभी 43 कभी 45 कभी 44 ऐसी घोड़े की की मर्जी आ 45 दिन तो लगेगा ही लगेगा। अज इन्ना कु सवेर का जनता का मूड इधर सिगा, मेरा ख्याल आ घट तो घट अज 5000 बंदा लंगर खा के गया है। अज लंगर दे विच सब तो पहलों ब्रैड पकौड़ा, उदों बाद टिक्की और गोल गप्पे का लंगर, उदों बाद कढ़ी चौल, उदों बाद नूटरी दाल चावल रुमाली फुलका। अज इन्नी कु भोले की कृपा हुई है भाई अं कह नहीं सकते। साढ़े संगतों का बड़ा आभार है, जे संगत आनगियां लंगर छकनगियां।